मैं अक्सर सोचता हूँ, Why do I cook? Is it because I'm a chef? Or is it to feed people? या मैं किसी ऐसे जायके की तलाश में हूँ जो मुझे अभी मिला नहीं? It's not that. खाना मेरे लिए एक जरिया है जुड़ने का, लोगों से, जमीन से और अपने आप से. खाना मुझे जोड़ता है पुरानी यादों से और नए रिश्तों से. मैं ठहरना चाहता हूं ताकि अपनी रसोई को, अपनी कुकिंग को थोड़ा वक्त दे सकूं और इस 20 साल पुराने रिश्ते को एक बार फिर ताजा कर सकूं. आफ्टर ऑल आई एम बिकॉज आई कुक. पुराने रिश्ते, पुराने नुस्खे और मेरी रसोई. राजा रसोई और अंदाज अनोखा. मतलब इसे कहते हैं कोइंसिडेंस. पहले तो अगर कोई एक क्रिकेट और फुटबॉल क्रेजी स्टेट है ना इंडिया में, वो है बंगाल. दूसरा, मैंने इंग्लिश मंगवा ली थी ऑलरेडी क्योंकि मूड तो था. तीसरा, फिर मामा ये कुमरो पाता लेके चले गए. कुमरो यानी कि कद्दू. तो भैया कंफर्म हो गया कि आज भगवान चाहता है कि बंगाली खाना ही बने. कद्दू को इतना ज्यादा यूज किया है ना बंगाल ने, चाहे कद्दू हो, कद्दू का पत्ता हो या कद्दू का फूल हो. ये कुमरो फूल, कुमरो फूल को लेके और उसके बाद उसको फ्राई करते हैं क्रिस्प, कुमरो फूल भाजा. आहा हा, सो टेस्टी. तो कुमरो पाते को ना ब्लांच करूंगा मैं, सिर्फ उबलते हुए पानी में नमक और हल्दी डाल के ब्लांच कर लूंगा. अरे मन्नू भैया. हाँ भैया. अरे आज सुबह इलिश लाए थे हम, कहाँ रखी है? भैया स्विमिंग पूल में डाल दिए. अरे क्या मन्नू भाई, स्विमिंग पूल में डाल दी, कुछ भी बोलते आप. कहाँ रखी है इलिश? किचन में है, ला रहे हैं भैया, ला रहे हैं. नहीं नहीं, आप खेलो, हम ले आते हैं. आपका गेम मिस नहीं होना चाहिए ना मन्नू भाई. चलो जी. टर्मरिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल डिसइंफेक्टेंट. मेरे लिए ना पत्ते की खूबी पता है क्या है? एक तो पत्ते का टेस्ट बड़ा अच्छा होता है अपने आप में. इट्स स्लाइटली स्वीट, थोड़ी सी कड़वाहट होती है. ये पत्ता भी खा सकते हैं और फिश भी. कुमरो पाते डन. इसको ना चिल्ड वाटर में एक बार धो लेता हूं. इलिश तो बहुत सारी हो गई. अच्छा भी दोनों बाटा डाल देता हूं, शौर्षे बाटा, पोस्तो बाटा, हल्दी. हरी मिर्ची का पेस्ट. मैरिनेशन डन. फिश को फटाफट से सॉल्ट लगाता हूं. अब मैरिनेशन. ये गई फिश और मिर्च. आह क्या बात, लवली.
जान। वैसे तो खुलना नहीं चाहिए लेकिन क्लासिकली ना इसके ऊपर धागा बांधते हैं। जब हम छोटे थे हमारी नानी बनाती थी ऐसे करेले स्टफ करके और उसके ऊपर ऐसे धागा बांध देती थी। मुझे याद है बाद में करेले लेके बैठे रहो उसके बाद ऐसे करके धागे निकालते रहो बस। फिर वो बोलती थी इक्को तो धागा है, एक ही तो धागा है, बस ऐसे करके निकाल दो। ऑलराइट, इसको फ्रिज में डालता हूँ। अरे मन्नू भाई मच्छी ले आओ। हाँ भैया चल चुके हैं। हिलसा शक्ल ही करते हैं भैया, टेबल पे बैठाते हैं आपको। शक्ल तो देख ले पहले। हाँ क्या बात है। कुमरो पाते पान नहीं है, हिलसा है, मच्छी है, मालूम है ना। ले भैया बिल्कुल। हाँ और क्या भैया, घर दिखा दे। हाँ बिल्कुल चलो तुम आओ फिर। डन जी डन। हाँ अभी बैंगन में मच्छी का फ्लेवर, मच्छी में बैंगन का फ्लेवर, ओहो हो नजारा ही आ गया जी। आई वेट There's one thing in the world that makes me speechless, it is Elish. No words. Oh. Normally kya hota hai yaar, main bada acha host hu, acche se khilata hu. Lekin Bengali khana na kamzori hai meri. Correct. So please be your own guest. Are, don't worry. And your own host. Dekho na. दसों उंगलियों से खा रहा हूं मैं। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस।